नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू क्रैकरसाइज़ एकेडमी। मेरा नाम है सुमंत और आज हम डिस्कस करेंगे 22 दिसंबर के करंट अफेयर के एमसीक्यू जो फ्रेम किए गए हैं द हिंदू से, पीआईबी से, इंडियन एक्सप्रेस से। समय हो रहा है सुबह के 4:42। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगे, अगर आप कुछ सीखते हैं नया इस वीडियो से, तो इसे लाइक कीजिएगा। जो दोस्त इसे देख रहे हैं पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारे वीडियोस हमारे मिल जाएं। आपको हमारा डेली करंट अफेयर का वीडियो आपको मिल जाता है रोज़ सुबह 6 बजे के पहले, और ये चलेगा प्रीलिम्स 2020 तक लगातार नॉन स्टॉप। मेरा टेलीग्राम चैनल है क्रैकर्स आईएएस एकेडमी, मेरा फेसबुक पेज भी क्रैकर्स आईएएस एकेडमी ही है, जहां पर हम लोग पीडीएफ अपलोड करते हैं और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं। हमारे कई सारे जो एमसीक्यूज आते हैं इनर पॉलिटिक गवर्नेंस पे, एंशिएंट इंडिया पे, आर्ट एंड कल्चर पे, सबका लिंक नीचे दिया गया डिस्क्रिप्शन में, उन्हें आप देख सकते हैं। चलिए हम लोग देते हैं आपको रोज 4 सवाल जिसका आपको जवाब देना होता है, और वीडियो के अंत में आपके लिए होता है क्वेश्चन ऑफ द डे जिसका आपको जवाब देना होता है। अगर आपने इसका जवाब दिया तो आपका नाम जो है इस वीडियो में पब्लिश होता है। हमारा सवाल पहला ये है कि आर्टिकल 331 आर्टिकल 331 संविधान का ये क्या प्रोवाइड करता है? आरक्षण एसटी एससी को लोकसभा में, आरक्षण जो हमारे एंग्लो इंडियन कम्युनिटी है लोकसभा में, रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर एसटी एससी इन आवर विधानसभा, हमारे जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी हैं उनको आरक्षण, हमारा जो विधान परिषद है राज्यों में वहाँ पर। सवाल नंबर 2 यह है कि जो सीवीसी है उसके बारे में हमने आपको दी है 2 बातें, पहचानना है कौन सा सही है। इट वॉज सेटअप बाय द रिकमेंडेशन ऑफ संथानम कमेटी। दूसरा, सीवीसी एंड विजिलेंस कमिश्नर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ सीजेआई। ये क्वेश्चन हमने आपको इसलिए दिया है ताकि अगर आपको क्वेश्चन का जवाब ना आए तो आप लक्ष्मीकांत खोलें और सीवीसी के बारे में जो चैप्टर है पढ़ डालें, फिर इसका जवाब दें। सवाल हमारा 3 ये है, जो अतिराना चंदा मंडप है ये संबंधित है किससे? अजंता की गुफाओं से, कन्हेरे की गुफाओं से, एलोरा गुफाओं से, और जो महाबलीपुरम का जो केव टेम्पल हैं उनसे। दोस्तों जो पिछले वीडियोज़ हैं वहाँ हमने डिस्कस किया था जो एलिफेंटा की गुफा है उसके बारे में, आज डिस्कस करेंगे हम लोग एलोरा की गुफाओं के बारे में। अगला हमारा सवाल है सदरे के बारे में, जो कि एक क्लासिकल डांस है, जो हमारा मोहिनीअट्टम है इन सब के जैसे। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय महापुरुष शंकर देवा इन 15वीं सेंचुरी। जो अनकिया नट है इज अ सब जेनर कंसिस्टिंग ऑफ वन एक्ट प्लेज ऑफ सत्तरिया। जो सत्तरिया है इसके बारे में पढ़िए थोड़ा सा। देखिए जो भी टर्म आपको ना आए विकिपीडिया पर सर्च कीजिए उस टर्म को, और जो पहला पैराग्राफ है उसको बस आप पढ़ डालिए, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी जो काम की होगी हमारे एग्जाम की। ये थे हमारे 4 सवाल। अब देखते हैं अपने कल के सवालों को। पहला था जो थीम था रावण शेकिंग माउंट कैलाश का, ये आप कहाँ पाते हैं? वो पाते हैं आप एलोरा की गुफाओं में। हमने डिस्कस किया था 18 दिसंबर को एलिफेंटा की गुफाएं, जहां हमने दिखाया था आपको ये वाली मूर्ति। देखिए यहां पर भी शिव हैं, पार्वती हैं, दोनों चिल कर रहे हैं माउंट कैलाश पे, और नीचे जो रावण है वो उसको उठा रहा था। देखो रावण लिफ्टिंग कैलाश, यहां रावण है और ऊपर शिव और पार्वती हैं। तो दोस्तों ये जो मूर्ति है ये पाई जाती है एलिफेंटा की गुफाओं में, और ये जो आप देख रहे हैं ये जो मूर्ति है ये पाई जाती है, सेम थीम है, रावण शेक कर रहा है माउंट कैलाश को, ये मिलता है आपको एलोरा की गुफाओं में। ठीक है ना, इसलिए मैंने यहाँ पर एलोरा दिया, मगर मैंने यहाँ पर जो एलिफेंटा गुफाएं हैं वो मैंने ऑप्शन में नहीं दिया था, ध्यान रहेगा। ये जो इमेज है वो बनाई गई थी 8वीं सेंचुरी में, जहाँ पर जो रावण है वो हिला रहा है माउंट कैलाश को, और शिव और पार्वती जो है वो ऊपर बैठे हुए हैं। ये जो गुफा नंबर 16 है इसको बोलते हैं कैलाश लेनी, और ये एक ही पत्थर से, सिंगल पत्थर से काट के बनाया गया। अच्छा ये बताओ, जो मूर्ति सिंगल पत्थर से काट के बनाई जाती है उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है मोनोलिथ, ध्यान रहेगा। जो मौर्यन पिलर हैं, ध्यान सुनना, जो मौर्यन पिलर हैं वो एक ही पत्थर से काट के बनाया गया है, मगर जो आर्किमिडियन जैसे कि जो पिलर है ना उसको अलग अलग बनाया गया है। इसका ऊपर का हिस्सा अलग बनाया जाता है, इसको नीचे का पार्ट है ना इसको अलग बनाया जाता है, फिर उसको जोड़ा जाता है। हमारा 18 तारीख वाला सवाल था कि जो एलिफेंटा की जो गुफाएँ हैं वो संबंधित है किस धर्म से? वो संबंधित हैं बुद्धिज़्म से और शैविज़्म से। क्या आंसर हुआ? डी, बुद्धिज्म एंड सिविज्म वाज करेक्ट। ये एलोरा के समकालीन था, इसीलिए जो थीम्स हैं वो सिमिलर देखी जाती हैं। जो गुफाएं हैं बाघ की वो कहाँ हैं? बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश में हैं। आपको सवाल पूछ देगा मैचिंग मैचिंग वाला, आपको दे देगा केव्स और आपको इधर दे देगा स्टेट्स,
सिंपल सा पूछ देगा। यहाँ पर दिया रहेगा एलोरा, अजंता, बाघ, ठीक है ना। यहाँ पर आपको दिया रहेगा राज्य, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र एमपी, ऐसा करके आपको मैच करना रहेगा। सब मूर्ति देख ही रहे हैं आप, जो शिव है वो अंधा का वध कर रहा है यहाँ पे। यह है एलिफेंटा की, यह है एलिफेंटा की, यह भी एलिफेंटा की है। चलिए, ये दोनों एलिफेंटा की हैं। अच्छा देखो, जो त्रिमूर्ति स्कल्पचर है ये करीब 3 फीट का है। कहाँ पे है? एलिफेंटा की गुफाओं में है, याद रखना। हमने यहाँ बता दिया आपको दोनों के बारे में। जो अजंता की गुफाएं हैं उसमें 29 गुफाएं हैं, और ये यहाँ पे जो चैत्य विहार, देखो जो विहार थे यहाँ पर बौद्ध जो भिक्षु होते थे वो रहा करते थे, ठीक है ना। चैत्य जो थे ना यहाँ पर पूजा किया करते थे। इनको स्कल्पचर से और पेंटिंग से डेकोरेट किया गया है। इसमें 4 चैत्य केव हैं, ध्यान रहेगा। अजंता इज द ओनली सर्विंग एग्जाम्पल ऑफ पेंटिंग ऑफ द 1st century BCE एंड 5th century BCE। यहाँ पर देखो, इन गुफाओं को कार्व किया गया था, इनको बनाया गया था परपेंडिकुलर क्लिफ पे, इसी कारण से यहाँ पर कोई भी कोर्टयार्ड नहीं है। मगर अगर ढलान थोड़ी सी ज़्यादा होती तो यहाँ पर क्या होता, कोर्टयार्ड बनाया जा सकता था। यहाँ पर हम आपको तीनों आर्ट फॉर्म मिलते हैं, आर्किटेक्चर भी, स्कल्पचर भी और पेंटिंग भी। जो एलोरा गुफाएं हैं ये महाराष्ट्र में ही हैं, अजंता से 100 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर तीनों धर्म के मिलते हैं, बुद्धिस्ट, ब्राह्मणिकल एंड जैन केव, ध्यान रखना। एलोरा में तीनों हैं, एलोरा में तीनों हैं, एलिफेंटा में 2 हैं। कौन कौन सा? बुद्धिज्म और शैविज्म। अजंता में आप लोग को देखने को मिलती हैं 2 मंजिला केव्स, और एलोरा में आपको 3 मंजिला केव्स तक देखने को मिलती हैं। सभी केव को प्लास्टर किया गया था, पेंट किया गया था, मगर अभी काफ़ी कुछ खत्म हो चुका है। अगला हमारा सवाल था डेमोक्रेसी इंडेक्स के बारे में, इसे कौन निकालता है? इस इंडेक्स को निकालता है इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंट यूनिट। मेरा आंसर क्या है यहाँ पे? डी। यहाँ पर 5 कैटेगरी में जो इंडेक्स है वो बेस्ड होता है, इलेक्टोरल प्रोसेस, सिविल लिबर्टीज, फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एंड पॉलिटिकल कल्चर। क्यों मैंने बताया ये वाला 5 बातें? क्योंकि यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है इसमें क्या क्या चीज़ें देखते हैं, समझो ना, इस इंडेक्स को निकालने के लिए। अगला हमारा सवाल था बुग्याल के बारे में। बुग्याल क्या होता है? ये गढ़वाल हिमालय है ना उत्तराखंड का, वहाँ पर घास के मैदान होते हैं, याद रहेगा। क्या है ये? ये समर ग्रासलैंड हैं, जहाँ पर भोटिया जो लोग हैं वो वहाँ पर रहते हैं। गर्मी के दिनों में वो माइग्रेट कर जाते हैं बुग्याल में, और सर्दी के दिनों में वो वैली में वापस लौट जाते हैं, दिख रहा आपको, इसको बोलते हैं बुग्याल। चलिए, यह हमने बताया आपको जो उत्तरांचल और हिमाचल हिमालय है उसके बारे में। ये लिया गया है क्लास 11th की एनसीईआरटी से। ये जो पूरा सवाल है वो इसी एनसीईआरटी से फ्रेम किया गया है। देखिए यहाँ पे, ग्रेट हिमालयन रेंज इज इट्स पार्ट इन द वैली। यहाँ पर रहते हैं भोटिया लोग, नोमैडिक ग्रुप हु माइग्रेट टू बुग्याल और रिटर्न हो जाते हैं वैली में जो विंटर में है ना वहाँ पे। तो दोस्तों, इस तरह से जो एनसीईआरटी से सवाल फ्रेम हो सकते हैं ऐसे अच्छे अच्छे। ये जो हमारा स्लाइड है इसे वीडियो रोक करके पढ़िएगा, हमारे सवाल काफ़ी सारे छूट जाएंगे। देखिए, वीडियो लंबा होने वाला है आज क्योंकि सवाल हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हैं आज। अगला हमारा सवाल है जो नालायारा दिव्य प्रबंधम है, इसे किसने कंपोज किया था? इसे कंपोज किया था अलवर ने, ध्यान रहेगा। ये पुजारी होते हैं विष्णु के, जो नैनार होते हैं ये पुजारी होते हैं शिव के, ध्यान रहेगा। अलवर विष्णु के और नैनार शिव के, मेरा यहाँ पर ए है जो सही है। जो दिव्य प्रबंधम है इसको हम लोग तमिल वेद के नाम से भी जानते हैं। अगला हमारा सवाल है कल का क्वेश्चन ऑफ द डे। यहाँ हमने पूछा था कि जो पेनिनसुलर प्लेटो है उसके बारे में कौन कौन से हमारे पार्ट हैं इस पेनिनसुलर ब्लॉक के, राजमहल हिल, कराबी एंगलोंग, मेघालय प्लेटो, गिर रेंज। तो एनसीईआरटी में सीधी लिखी गई है कि जो कराबी एंगलोंग है ये पार्ट है, मेघालय प्लेटो है ये भी पार्ट है हमारे पेनिनसुलर ब्लॉक का। मेरा 2 एंड 3 सही था। मैंने क्या किया, बी, सी और डी को रखा और मैंने ए को कर दिया एलिमिनेट। अब देखो, जब आप मैप देखेंगे ना तो पाएंगे कि जो गिर रेंज है ये पार्ट है पेनिनसुलर रेंज का, प्लेटो का, इसलिए हमारा 4 भी यहाँ पर सही हो जाएगा। 2, 3, 4 कहाँ पर है दोस्तों? ये मेरा आ गया बी में और ये मेरा आ गया डी में। मैंने क्या किया, सी को एलिमिनेट कर दिया। अब आती है बात राजमहल हिल की, राजमहल हिल भी पार्ट है पेनिनसुलर ब्लॉक का। मेरा आंसर यहाँ पे क्या है, डी। 1, 2, 3 एंड 4 आर करेक्ट। ये जो ब्लॉक है वो रन करता है जो हमारा
रन ऑफ कच्छ है, यहाँ से लेकर के अरावली जो पहाड़ियाँ हैं ना इसका वेस्टर्न फ्लैंक, फिर जो राजमहल हिल है, गंगा का डेल्टा जो है, कराबी एंगलोंग, मेघालय प्लेटू, इन सब में आते हैं। ध्यान रहेगा जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है हमारे भारत के, वो उसको सेपरेट किया गया है मालदा फॉल्ट के द्वारा ज्योग्राफिकली हमारे इस पेनिनसुलर ब्लॉक से। सवाल फ्रेम किया गया है एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 से। चलिए अब हम आते हैं अपने आज के न्यूज़ पर। तारीख 22 दिसंबर आज न्यूज़ है, टोल टचे 16 इन यूपी एज प्रोटेस्ट कंटिन्यू। दोस्तों जो प्रोटेस्ट है वो हो रहा है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और एनआरसी के अगेंस्ट, जो हिंसा है वो भड़क रही है पूरे देश में। इंडिया चाइना टू सीक फेयर बॉर्डर, अच्छा हमने दोनों के बारे में सवाल पहले देख लिया है, जो दोस्त हमारे नए हैं हमारे पिछले वीडियोज़ सारे देख डालिए। चाइना इंडिया टू सीक फेयर बॉर्डर सोल्यूशन, हमारा जो बॉर्डर डिस्प्यूट है चाइना और इंडिया के बीच में जो तीनों सेक्टर में है, देखो ऐसे हमारा है, ऊपर हमारा है जम्मू कश्मीर, फिर हम आता है हमारा हिमाचल, फिर हमारा आता है उत्तराखंड, फिर नीचे जैसे कि ये तो पार्ट हो गया नेपाल का, फिर यहाँ पर हमारा आता है सिक्किम, फिर हमारा आता है यहाँ पर अरुणाचल। तो ये जो पांच राज्य हैं जहाँ पर बसे हुए हैं जैसे कि बॉर्डर इंडिया चाइना का, वो डिस्प्यूटेड है, इसको सॉल्व करने की बात कही जा रही है, देखते हैं कब होता है। फिर अगला हमारा सवाल है यूएस सैंक्शन कंपनीज बिल्डिंग रशियाज गैस पाइपलाइन टू जर्मनी। देखो यूएस ने सैंक्शन पे लगाया, जैसे कि रशिया पे लगाया है सैंक्शन एक एक्ट के अंतर्गत, आपको बताना है कि वो एक्ट का नाम कौन सा है, या आपका सवाल नंबर 5 है। हमने आपको पहले ही ये बता दिया है, हमने डिस्कस किया है कुछ दिन पहले कि रशिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया पे यूएस ने सैंक्शन लगाया है एक एक्ट के अंतर्गत, उस एक्ट का नाम क्या है, सवाल नंबर 5। चलिए अगला हमारा न्यूज़ है आईसीसी टू प्रोब वार क्राइम्स इन फिलिस्तीन टेरिटरी सिंस 2014। ये 22 दिसंबर का जो द हिंदू है उसका पेज नंबर 10 पे है बेंगलुरु एडिशन के। सवाल हमने फ्रेम किया है आपके लिए आईसीसी पर, क्यों सवाल इसी पर आईसीसी, ये वाला क्रिकेट वाला नहीं है, ये हमारा है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। पहला हमारा स्टेटमेंट है इट इज़ प्राइमरीली जुडिशियल ब्रांच ऑफ यूएन। सबसे पहली बात आईसीसी यूएन का पार्ट है क्या? नहीं जी नहीं है। ICJ ये है जो UN का पार्ट है। मेरा यहाँ पर पहला गलत हो गया, मैंने क्या किया, A काट दिया, मैंने यहाँ पर C काट दिया। इट वॉज फॉर्म्ड अंडर रोम स्टैचू, हाँ जी जो रोम स्टैचू है ये इसका फाउंडेशन एग्रीमेंट है, मेरा यहाँ पर 2 सही है। इंडिया इज़ वन ऑफ इट्स फाउंडिंग मेंबर, इंडिया ICC का पार्ट नहीं है, इंडिया ICJ का पार्ट है, मेरा यहाँ पर 3 गलत है। B 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 6 आपके लिए ये है जो जाधव का जो केस था वो कहाँ हम लोग फाइट कर रहे थे पाकिस्तान के साथ, ICC में या फिर ICJ में, ये आपके लिए सवाल नंबर 6 है। हमने क्या किया, हमने आपको दिया है एक और सवाल ICJ पर ताकि आपको सारी बातें क्लियर हो जाए। ICJ क्या है, ये UN का पार्ट है। जो ICC है वो बनाया गया था जब रवांडा वार क्राइम का जो प्रोब है वो इन्फेक्टिव हो गया था, ये काम करना शुरू हुआ 2002 से। कौन सा स्टैचू, रोम स्टैचू, और इस स्टैचू पे जिसने साइन किया था, जिन कंट्री ने इसको रेटिफाई किया है, वही कंट्री इस ICC के मेंबर स्टेट्स हैं, इसके फाउंडर हैं। ध्यान रहेगा ये एक क्रिमिनल कोर्ट है, भारत इसका मेंबर नहीं है। अब हम आते हैं अपने ICJ वाले सवाल पर। कैंडिडेट्स, अच्छा देखो हमने सवाल पूछा है आपसे कि जो ICJ में जो जजेस आते हैं उनके बारे में, ताकि हम सवाल गहरे से देख लें इसको। कैंडिडेट्स आर नीडेड टू बी फर्स्ट नॉमिनेटेड बाई द नेशनल ग्रुप इन द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। ये तरीका होता है, सबसे पहले जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है यहाँ पर जजेस को नॉमिनेट किया जाता है, जो लिस्ट आती है इस लिस्ट पर वोटिंग होती है, और यहाँ से कहाँ वोटिंग होती है, वोटिंग होती है UN के जनरल असेंबली में और UN का सिक्योरिटी काउंसिल, दोनों में, और दोनों में उसको एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए होती है। क्या बोलते हैं उसको, एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए होती है, और इसके बाद क्या होता है, उनको अपॉइंट किया जाता है। तो यहाँ पर मेरा पहला हो गया सही, जजेस आर इलेक्टेड कैंडिडेट बाय एन एब्सोल्यूट मेजोरिटी इन बोथ द जनरल असेंबली सिक्योरिटी काउंसिल, बिल्कुल सही, मेरे यहाँ पर 2 सही है। मोर देन वन जज ऑफ अ कंट्री कैन इलेक्टेड टू ICJ, क्या एक से ज़्यादा जजेस को यहाँ पर इलेक्ट किया सकता है, नहीं कर सकते, मेरे यहाँ पर 3 गलत है। 1 and 2 ओनली आर करेक्ट, ध्यान रहेगा पहला सही, दूसरा सही, तीसरा मेरा गलत। देखो जो जजेस है ना, जजेस को हम लोग चुनते हैं 9 साल के टर्म के लिए, ICJ में टोटल 15 जज होते हैं, और 5 जज हर 3 साल पर होते हैं रिटायर, और 5 जज हर 3 साल पर नियुक्त किए जाते हैं, ध्यान रहेगा। तो
वन थर्ड मतलब 5 जज हर 3 साल के बाद चुने जाएंगे और ये अपने देश का प्रतिनिधित्व नहीं करते, ये अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में वहाँ पर काम करते हैं जज के रूप में। हमने यहाँ पर आपको दे दिया है ICJ और ICC के बारे में कंपैरिजन, कब बना था 1946, कब बना था 2002। बातें इसको पढ़िएगा, एकदम आसान है। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवालों की तरफ। ध्यान रखना, जो ICJ का जजमेंट है ये बाइंडिंग है, दिस इज बाइंडिंग, मगर जो हमारा ICJ है ना ICC, इसके खिलाफ आप अपील कर सकते हैं। चलिए अगला हमारा सवाल है ट्राइफेड के बारे में, द ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। इट इज़ अ नेशनल लेवल अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनिंग अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। हाँ जी, ट्राइबल अफेयर के अंतर्गत ही है, मेरे यहाँ पर पहला है जो सही है। दूसरा, इट प्रोवाइड हैंडलूम डेवलपमेंट ट्रेनिंग फॉर ट्राइबल पॉपुलेशन। ट्राइफेड का मेनली दो काम होता है, पहला जो ट्राइबल प्रोडक्ट हैं उसका मार्केटिंग करना और उनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करना, मेरा यहाँ पर सेकंड सही है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्राइफेड इज सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल पीपल इन कंट्री बाय वे ऑफ मार्केटिंग डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल प्रोडक्ट। मैंने वहाँ पर बताया करता क्या है, ये ट्राइबल के प्रोडक्ट का मार्केटिंग भी करता है अपने प्लेटफॉर्म के जरिए, मेरे यहाँ पर थर्ड सही है। क्या आंसर है मेरा यहाँ पर, क्या पूछ रहा है, कौन सा करेक्ट है? D1, 2 and 3 आर करेक्ट। ध्यान रहेगा यहाँ पे, कब बना था 1987 में बना था, कौन सा मंत्रालय, मंत्रालय ऑफ ट्राइबल अफेयर। अगला हमारा सवाल है कोलंबो डिक्लेरेशन पर, पहला स्टेटमेंट ये है इट हैज़ बीन डेवलप्ड अंडर रामसर कन्वेंशन। क्या कन्वेंशन? रामसर है, रामसर कन्वेंशन वेटलैंड पर है, किस पर है, ये वेटलैंड पर है, ये नहीं है। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ग्लोबल नाइट्रोजन चैलेंज है ना, इसको हमको टैकल करना है, ये तो वेटलैंड के लिए है, मेरे यहाँ पर पहला गलत है। इट एम्स टू हाफ नाइट्रोजन वेस्ट बाय 2030, जो नाइट्रोजन वेस्ट है ना उसको आधा कर देना है, ये इसका एम है। क्या बात सही है? हाँ जी, मेरा पहला गलत था, सेकंड मेरा सही था, B2 ओनली इज द करेक्ट आंसर। किसने बनाया है इसको, ये एक ज्वाइंट इनिशिएटिव है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का और इंटरनेशनल नाइट्रोजन इनिशिएटिव, जिसको सपोर्ट किया गया है GEF ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के द्वारा। वो ध्यान रहेगा, क्या काम है इसका, ये चाहता है कि जो नाइट्रोजन वेस्ट है उसको हम आधा कर दें 2030 तक। अगला हमारा सवाल है, देखो अगला हमारा न्यूज़ है पेज नंबर 7 से, द हिंदू का, मैनुअल स्केवेंजिंग लेफ्ट 282 डेड सिंस 2016। पिछले 3 सालों में 2016, 2017, 2018 दोस्तों यहाँ पर हमने देखा कि 282 लोग की मृत्यु हुई है। कैसे रुक सकती है? टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से रुक सकती है, जो सेफ्टी गियर हैं वो दिए जाने चाहिए इन मैनुअल स्केवेंजर को, ताकि जो जहरीले गैसेज होते हैं उनसे इनकी जान ना जाए। अगला हमारा सवाल है मिशन और ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी, पंच, सन, मोजाइक, मार्स, चेंग फोर, मून। ये चेंग फोर जो है ना ये चाइना का है, ये चांद संबंधित है, मेरे यहाँ पर थर्ड सही है। बाकी देखते हैं, पंच सन का है क्या? देखो जो पंच है इसका नाम है पोलरीमीटर टू यूनिफाई द कोरोना एंड हेलियोस्फीयर। कोरोना होता है, कोरोना जो होता है ना ये सन का आउटर एटमॉस्फेयर होता है। क्या होता है? सन का बाहरी एटमॉस्फेयर होता है, इसी पर फोकस्ड है ये। और सोलर विंड्स कैसे, सोलर विंड्स कैसे जनरेट होते हैं सूर्य में, उस पर फोकस करता है ये पंच, मेरे यहाँ पर पहला सही है। चेंग फोर ये तो है ही चांद पर, चाइना का, मेरा थर्ड सही है यहाँ पे। देखो जो मोजाइक है किस पर है, ये आर्कटिक क्लाइमेट सिस्टम पर है। वहाँ पर क्या वल्नरेबिलिटी है, उसको कैसे मिटिगेट किया जाए, उसे कैसे अडेप्ट किया जाए, उसको कैसे डेवलप किया जाए सस्टेनेबली, उस पर ये फोकस्ड है मोजाइक। मार्स पर नहीं है, किस पर है, आर्कटिक पर है, मेरे यहाँ पर सेकंड गलत हो गया। आंसर C1 and 3 ओनली आर करेक्ट। अगला हमारा सवाल है काइंस फॉर फेलिन्स इनिशिएटिव, इसके बारे में, इट इज़ अ कंटेस्ट फॉर वाइल्ड लाइफ स्निफर डॉग। इनको वाइल्ड लाइफ स्निफर डॉग को मान्यता देने के लिए, इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए जो इनिशिएटिव है वो शुरू की गई है। इटिंग बीज ऑर्गेनाइज्ड बाय द एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या बात सही है, देखते हैं, इसको शुरू किया है टैरिफ इंडिया और WWF इंडिया ने। हमारा जो एनिमल वाइल्ड लाइफ बोर्ड ऑफ इंडिया है, एक स्टेचुअरी बॉडी है, इसने शुरू नहीं किया है, मेरा पहला सही है, सेकंड गलत है, A1 ओनली इज द करेक्ट आंसर। अगला हमारा सवाल है यूरोशियन इकोनॉमिक यूनियन के बारे में, इट इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन
फॉर रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन है, बात बिल्कुल सही है। इसी की तरह जो बिम्स्टेक है, जो सार्क वगैरह है ना, ये भी यही काम करते हैं। मेरा पहला सही है। रशिया, बेलारूस, आर्मेनिया, चाइना आर मेंबर्स। चाइना इसका मेंबर नहीं है मेरे यहाँ पर, टू गलत है। क्या आंसर हो गया? ए, वन ओनली इज द करेक्ट आंसर। अभी आया था रेजोल्यूशन ऑन बेलारूस प्रेसिडेंसी इन यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन बॉडीज इन 2020 साइंड, इसलिए सवाल हमने यहाँ पर दिया है। यहाँ पर कौन कौन सदस्य हैं इसके? रशिया, बेलारूस, आर्मेनिया, किर्गिस्तान एंड कजाकिस्तान। ठीक है, ध्यान सुनना, तुर्कमेनिस्तान और तजाकिस्तान दोनों इसके मेंबर नहीं हैं। के वाले दोनों मेंबर हैं इसके, कजाकिस्तान भी और किर्गिस्तान भी। इसके अलावा रशिया, बेलारूस और आर्मेनिया हैं। चीन इसका मेंबर नहीं है। करते क्या है इसमें? जो फ्री मूवमेंट है किसका किसका, गुड्स का, सर्विसेज का और लेबर का, ये यहाँ पर इंश्योर किया जाता है। हमने आरसेप में कहा था कि आप गुड का जो फ्री मूवमेंट है वो तो हम देंगे आपको, आप जो सर्विसेज हैं और जो लेबर है इसका फ्री मूवमेंट दीजिए, क्योंकि इंडिया को एडवांटेज है सर्विसेज में और लेबर में, हमारे प्रोफेशनल में। उन्होंने बोला कि नहीं देंगे तो हमारे जॉब कहाँ जाएंगे, तो हमने बोला कि ठीक है, तो अपना गुड्स अपने पास रखो, अपने लोग अपने पास रखते हैं, हमने आरसीईपी को साइन नहीं किया। अगला हमारा न्यूज़ है, इंडिया समन्स मलेशियन इन्वॉय ओवर महाथीर्स कमेंट ऑन सीसीए। महाथीर जो हैं वो मलेशिया के प्रधानमंत्री हैं, काफ़ी बोलते रहते हैं अनशन। इंडिया इज सेकुलर स्टेट फ्रॉम स्टार्ट। इनका कहना यह है कि जो पुलिस एक्शन हुआ है, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो गलत है उन पर। मलेशिया एक इस्लामिक कंट्री है, ध्यान रखना। नो नीड टू डिक्लेयर रिलीजन फॉर बैंक KYC। बैंक में जब आप अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको देना होता है कुछ डॉक्यूमेंट, ताकि वो लोग आपको जान सके, बैंक कैन नो देयर कस्टमर। ठीक है ना, तो वहाँ पर कोई धर्म का जरूरत नहीं होता, जैसे कि आपको अपना जो धर्म है वो मेंशन करने की जरूरत नहीं है। ये कहा है फाइनेंस सेक्रेटरी जिनका नाम है राजीव कुमार, उन्होंने। अगला हमारा सवाल है क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी मैप ऑफ इंडिया, इसके बारे में। इसको किसने डेवलप किया है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अर्थ साइंसेज, GSI या मिनिस्ट्री ऑफ माइंस? इसे डेवलप किया है DST ने। DST किस में आता है? या हमारा आता है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। मेरे यहाँ पर आंसर क्या है? ए, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला हमारा सवाल है लद्दाख रीजन के बारे में। लद्दाख में कौन कौन से ट्राइब प्रेजेंट हैं वो हमने यहाँ पर बताया है, बाल्टी, चंगपा, पुरिगपा। बाल्टी, चंगपा और पुरिगपा तीनों के तीनों ट्राइब पाए जाते हैं लद्दाख में। इसको बस दो बार पढ़िए, आपको रटना नहीं है, आपको बस सुना होना चाहिए कि हाँ हमने बाल्टी ट्राइब कहीं सुना था, बाल्टी से वो लोग जो बर्फ़ है वो मतलब निकाल निकाल कर फेंकते हैं। ठीक है, चंगपा और जो पुरिगपा है, ये दोनों जो ट्राइब है, तीनों ट्राइब जो हैं वो लद्दाख में पाए जाते हैं। ठीक है, देखो इनके अलावा जो बेडा है, बोट, बोटो, ये सब जो ट्राइब भी आपको वहीं मिलते हैं, गारा और मोन। मेरा सर कहे यहाँ पे डी, 1, 2 and 3 आर करेक्ट। अगला हमारा सवाल है इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ सी, ITLOS पर। इट इज़ एन इंडिपेंडेंट जुडिशियल बॉडी एस्टैब्लिश्ड बाय UN क्लोज टू एडजुडिकेट डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ इंटरप्रिटेशन एंड इम्प्लीकेशन ऑफ UN क्लोज कन्वेंशन। जो UN क्लोज कन्वेंशन है ये डील करता है लॉज ऑन सी से, सी समुद्र के जो रिसोर्सेज हैं इसको कैसे इस्तेमाल किए जाएंगे कंट्रीज़ के द्वारा, उन सब पे ये डील करता है। तो उसमें जो कोई डिस्प्यूट आते हैं उनको एडजुडिकेट करता है, उनको ये रिजॉल्व करता है। कौन? ITLOS। ये एक इंडिपेंडेंट जुडिशल बॉडी है। ट्रिब्यूनल इज़ ओपन ओनली टू अ स्टेट पार्टीज। नहीं जी, जिन्होंने साइन किया उस पर तो है ही, जिन्होंने साइन नहीं किया है उस पर भी ये अप्लीकेबल है, उनके लिए भी ये ओपन है। ध्यान रखना, इट इज़ ओपन ऑल्सो टू नॉन स्टेट पार्टी। मेरे यहाँ पर सेकंड गलत है, पहला सही है। ए, वन ओनली इज़ द करेक्ट आंसर। ध्यान रहेगा, हेडक्वार्टर है इसका हैमबर्ग में, जो कि जर्मनी में पाया जाता है। चलिए अगला हमारा सवाल है नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल। हमने इस एक क्वेश्चन के जरिए हमने पूरा जो टॉपिक है नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल का, इसे कोशिश की है कि हम इसे कवर कर दें। द पॉलिसी इनकरेजेज सेटिंग अप ऑफ सप्लाई चेन मैकेनिज्म फॉर बायोडीजल प्रोडक्शन फ्रॉम नॉन ईडेबल बायोसीड। दोस्तों देखो, संडे को हमारा साइंस एंड टेक भी आता है, ठीक है ना, इसलिए हमने क्वेश्चन लिए हैं साइंस एंड टेक से। हमने देखा था जो हमारे मिशन है और हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसके बारे में, और फिर हमें देख रहे हैं यहाँ पर बायोफ्यूल के बारे में।
तो जो हमारे संडे का जो है सनसेट उसको भी हम कवर कर लिया करेंगे। द पॉलिसी इनकरेजेस सेटिंग अप ऑफ सप्लाई चेन मैकेनिज्म फॉर बायोडीजल प्रोडक्शन। सप्लाई चेन का मतलब ये होता है आपका लॉजिस्टिक्स, जो रॉ मटेरियल हैं उनको सप्लाई किया जाए, जो प्रोडक्ट बन गए हैं उसको वहाँ पर मार्केट किया जाए। तो देखो यहाँ पर जो नॉन ईडिबल ऑयल सीड्स हैं इनका भी इस्तेमाल किया जाएगा बायोफ्यूल को बनाने के लिए। पॉलिसी प्रोहिबिट यूज़ ऑफ सरप्लस फूड ग्रेन। नहीं जी, जो पुराना पॉलिसी था उसमें कहा गया था कि जो फूड ग्रेन है इसका इस्तेमाल हम नहीं करेंगे बायोफ्यूल बनाने के लिए, मगर अभी कहा गया इस नई वाले पॉलिसी 2018 पॉलिसी में कि जो सरप्लस फूड ग्रेन है, जो वेस्ट फूड ग्रेन है, इसका भी हम इस्तेमाल करेंगे बायोफ्यूल को बनाने में, ठीक है, और इथेनॉल जो है ना उसको बनाने में, ताकि हम उसको ब्लेंड कर सकें पेट्रोल के साथ। मेरे यहाँ पर सेकंड गलत हो गया, ए बी और डी कट गया, मेरा आंसर आ गया यहाँ पर ए, 1 and 3 ओनली आर करेक्ट। ध्यान रहेगा यहाँ पर जो बायो रिफाइनरी हैं उनको वायबिलिटी गैप फंडिंग दी जाए। ये क्या होता है वायबिलिटी गैप फंडिंग का मतलब? ये है, मान लो कि कोई बिजनेस करने के लिए लागत लगती है 3,000 रुपये, आपको मुनाफा मिलता है केवल 2,500 रुपये, कितने का लॉस हो गया? लॉस हो गया आपको 500 रुपये का, ठीक है ना। तो जो गवर्नमेंट है वो आपको 500 रुपये का भरपाई कर देगा, इसको बोलते हैं वायबिलिटी गैप फंडिंग। किसी भी अन इकोनॉमिक एक्टिविटी को करने के लिए, उसको वायबल बनाने के लिए जो गैप है, जो लॉस है, इसको फंड किया जाता है, इसको बोलते हैं वायबिलिटी गैप फंडिंग। भूलोगे कभी? चलो नहीं भूलना। देखिए यहाँ हमने दिया है आपको बायोफ्यूल के बारे में, यहाँ बताया गया है 3 तरह के जनरेशन, 1G, 2G, 3G और पार्ले जी। पहला हमारा जो है वो है बेसिक बायोफ्यूल, जो बनाए जाएंगे जो हमारे जो होते हैं ना पहले वाले, मतलब कि नॉन फूड वगैरह वाले। सेकंड हमारा है इथेनॉल, और मतलब जो हमारे म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट है उससे बनाया जाएगा। जो 3G बायोफ्यूल हैं वो भी तो इसमें शामिल किए गए हैं। देखो यहाँ पर कोई भी 4G नहीं है। क्या कहा गया है कि जो रॉ मटेरियल होंगे बायोफ्यूल के लिए उसको एक्सपैंड किया गया है, अब हम नॉन फूड के अलावा फूड प्रोडक्ट को भी इस्तेमाल करेंगे, शुगर बीट मतलब गन्ना वगैरह। देखो गन्ने के जो किसान हैं उनका पेमेंट वगैरह रुकता है, क्योंकि चीनी की सप्लाई तो वही है, मार्केट में प्राइस क्रैश हो जाता है, गन्ने के किसानों को उनका मुआवजा नहीं मिल पाता। तो जो गन्ने के किसान हैं ना उनका जो गन्ना है उसको इस्तेमाल किया जा सकता है इथेनॉल बनाने में, ताकि इथेनॉल की ब्लेंडिंग हो सके, पेट्रोल का जो इम्पोर्ट है वो कम हो सके, हमारा जो करंट अकाउंट डिफिसिट है वो सही हो सके, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारे फेवर में धीरे धीरे आ सके। तो ये सब बातें हैं, बाकी बातें यहाँ पर पढ़िएगा, सिंपल सी बातें हैं, आपको ध्यान रखनी है, जो हमने जो मैंने बातें ना आपको मैं बता दी है यहाँ पर पहले ही सवालों में, ठीक है। क्या क्या? वायबिलिटी गैप फंडिंग प्रोवाइड करी जाएगी, जो सप्लाई चेन मैकेनिज्म है ये दिया जाएगा। अगला हमारा सवाल है, संगाई इज द स्टेट एनिमल ऑफ मिजोरम। मैंने पहले पढ़ाया है आपको, संगाई जो है वो एंडेमिक है कहाँ पर? केबुलेमजाओ नेशनल पार्क में। ये कहाँ है? ये मणिपुर में है, मणिपुर में है। चूंकि ये इस पार्क में एंडेमिक है तो कहाँ से आ गया मिजोरम में? ये स्टेट एनिमल है मणिपुर का, मिजोरम का नहीं है। ये सवाल आपके जीएस का नहीं है, ये सवाल आपके इंटेलिजेंस का है। आप किस तरह सोच पाते हैं, आप किस तरह सवालों को अटेम्प्ट कर पाते हैं, मेरा पहला यहाँ पर गलत है। अगला हमारा है, लेप्टोस्पिरोसिस इज अ वायरल इन्फेक्शन इन रोडेंट एंड अदर वाइल्ड एंड डोमेस्टिकेटेड स्पीसीज एंड ह्यूमन। देखो ये जो है ये एक वायरल नहीं है, ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है डोमेस्टिकेटेड स्पीसीज में और ह्यूमन भी। मेरे यहाँ पर दोनों गलत है, डी, नाइदर वन नॉर टू आर करेक्ट। अब आते हैं अपने क्वेश्चन ऑफ द डे पर। सवाल हमारा है सेंट्रल हाईलैंड के बारे में। हमने आपको दी है 3 बातें, आपको बताना है कौन सी बात सही है। पहले हम देखते हैं कि कौन से जो दोस्त हैं उन्होंने सही जवाब दिया है कल के COD का। तो देखो पहले हैं सफी अहमद, ये तो देते ही देते हैं, सुनीता प्रसाद जी, इनका रोज आंसर आता है COD का। फिर हमारे अंकुर सचान, इन्होंने दिया है आंसर, सफी अहमद देखो दे दिया, आकांक्षा गुप्ता ठीक है, और फिर नीचे आकांक्षा, फिर नीचे आते हैं सुहास परोटे, इन्होंने कल भी दिया था, सवन कुमार बहुत अच्छे। चलिए तो इनके जवाब थे हमारे COD के कल के। आप आज के सवाल का जवाब दीजिए और हम लोग मिलते हैं फिर अपने कब, अपने अगले वीडियो में, ठीक है दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।